हमने कहा 15 मिनट बाद दफ्तर के अंदर जाएं। तो हमें जल्दी क्यों डाली हुई थी आपने? देखा ये सारी आलूलाद इधर खड़ा करके अब्बा कह रहे हैं अभी गाड़ी में बिठा के इंतजार करवा रहे हैं। हमेशा ही हमारे साथ यही क्यों है? अंकल आपको सिस्ट्रोलॉजी का सेल्फी चाहिए? बदले में फ्री पासपोर्ट बनवा दीजिए। खाना खाने के लिए और यहाँ पे मक्की पार्टी हो रही है। यहाँ पे चाय वाय मिलने का सिस्टम नहीं है? तू रिश्ता देखा नहीं? आज के व्लॉग की स्पेशल बात क्या है क्योंकि आज मैं उठी हूँ बहुत ही जल्दी, मतलब इट्स लाइक 8 o'clock और बाहर देखें बिल्कुल कड़कती कड़कती हुई धूप है शदीद वाली और मेरे मुंह पे लाइट से अंदाजा हो रहा होगा कि इतनी फ्रेश वाली धूप निकली हुई है। तो जी चलते हैं हम अपने, मैं जल्दी जल्दी उठ गई हूँ, किस मकसद के लिए उठी हूँ लेकिन चप्पल देखे मैं आई हैड टू चेंज, तो हम नीचे जाके अपना जूता देखते हैं सबसे पहले। तो सुबह आई हूँ मैं, आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। नहीं वो नहीं ब्यूटी, हाँ जी कहती पापा के पास पानी ले आओ। ओके साथ खा रही हैं इनका नाश्ता, खुद बनाया राबिया आकर, मतलब सोचे समझे आई है पिए ये खाए। टाइम दिखाओ मुझे जरा, 7:34 दिखाओ, 7:34 हो चुके। ये देखें सुनाए, तो ये बात है कि लोग कहेंगे कि मैंने शर्ट रिपीट की है, ठीक है पता है ठीक है, तो मैं इसे कहना चाहूंगी बिकॉज आई पे फॉर इट एंड आई हैव वॉशिंग मशीन, दैट्स व्हाई मैं रिपीट करूंगी कि कोई मुझे कुछ कैरेक्टर दिखाए, क्योंकि मैंने अपने पास से नहीं बोला, मैंने कैप्शन पढ़ी थी उधर से शो की मार, मैं भी रिपीट करूं इसलिए मैं सबको एक मैसेज दे दूं, कपड़े रिपीट करने में कोई बुरी बात नहीं, खा लो राबिया। अभी अपनी तरफ से प्रॉपर आलिया भट्ट बनी हुई है कि कपड़े रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। खैर अल्लाह की कसम मैं बताती हूं, मैंने आलिया भट्ट तो देखी नहीं, मैं तो दीपिका की देखी। तो ये उसके ऊपर की बॉटल कहां है? बॉटल हां कहां है, पानी कहां से भर रहा है? अंदर हमारा ऑटोमेटिकली होता है, हम बॉटल को क्या करते हैं, झूठ बोलने का भी कोई लेवल होता है? सुबह सुबह उठ के इनकी फनकारियाँ स्टार्ट हो गई हैं, टाइम का भी कोई लिहाज नहीं है, हालांकि मैं उठी हूँ। लड़ाई फिर कौन सा जो पहना हुआ भी अच्छा, हाँ ये ब्लैक भी पहन सकते हैं, ये पहने जा कहाँ रहे हैं, एक बार करो वो भी अच्छा, वो भी पहन सकते हैं, वहाँ ब्लैक पहन ले जल्दी आओ। अब हम देख लिया, मैंने जी अपने जूते चेंज कर लिए थे जी, प्यारे वाले जूते मैंने पहन लिए और मैंने बैग भी पकड़ लिया और बाहर धूप की नोयत देखें, यहाँ पे इतनी ज्यादा धूप है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब यहाँ से निकलना है हम लोगों ने थोड़ी ही देर में, इधर देखें जी ले जूते का शूट चल रहा है। सुबह उठ के जा कहाँ रही हो? ए सरप्राइज, बड़े 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 सरप्राइज आ रहे हैं भाई, सुबह सुबह उठ के ऐवे तो नहीं कोई कष्ट करता दिखाओ अपनी शकल दिखाओ, प्रैक्टिकल नोटबुक तुम्हारी आई है, तुम्हारी आई है प्रैक्टिकल नोटबुक, रद्दी में चली जाएंगी फिर। सुबह सुबह राबिया को पड़ी है हैवी किस्म की डांट, जल्दी करें पापा डांट रहे, जल्दी जल्दी अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरी अम्मा को भी निकालने एक टास्क से कम नहीं है। अम्मा ने आज बनाई है एक कदम मिल्क शेक जिसके अंदर, मैं गई येलो कलर की मिल्क शेक यार मैंगो है, बड़ा मजे से मैं डाली, जब मैंने घूट लिया तो उसका टेस्ट केले का था, मतलब बनाना का टेस्ट और कलर मैंगो। अब मेरे से भी नहीं पी गई और मम्मा को इसलिए सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है कि बेटा, हाँ जी पापा जी आ रहे हैं, इससे मामा पापा दोनों गुस्से में है क्योंकि हम लोग बच्चे परेशान करते हैं, मेहनत भी की और अच्छी चीज भी नहीं बनाई। अब कह रही है जबरदस्ती उसको पियो, ये पापा वाले बोतल देखे हो ताकि पापा सुकून से गाड़ी में, हर व्लॉग में मुझे डांटती है मम्मा। बाहर निकल रही हूँ मगर मेरी बहन जो है मतलब फातिमा वो हमारे साथ जा रही है, वो अभी तक नहीं निकली है, अम्मा जो है वो बैठ रही है और राबिया भी उम्मीद करती हूँ बैठ चुकी होगी ताकि उसको डांटना पड़े, चला गया गुड गर्ल। सरदार जा कहाँ रहा है? सरदार तो सीक्रेट, इट्स नॉट अ सीक्रेट, जब व्लॉग बन रहा होता तो कुछ भी सीक्रेट नहीं, बता चुकी हो
अभी बताया नहीं है। जैसे हमको फोन करके कहाँ कह रही दरवाजे के पास लो जी, दरवाजे के पास दोनों पदार्थी हुई, ऐसे आ रही है ऐसे आ रही है। एक तो बहने ज्यादा हो तो गाड़ी में फायदा नहीं होता, वैसे बड़ा फायदा होता है। हम लोग कराने जा रहे हैं भाई अपने पासपोर्ट आज रिन्यू। अच्छा, पासपोर्ट क्यों रिन्यू करवा रहे हैं? पासपोर्ट इसलिए रिन्यू करवा रहे हैं कि आप लोगों के लिए आ रहा है एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। स्टे कनेक्टेड विद पासपोर्ट। सबको पता चल जाता है क्या सरप्राइज है? हाँ तो पता लग गया है वो कहाँ का हो सकता है। इसके लिए तो लोगों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत से लोग हमसे पूछते भी हैं, तो कहीं जाते नहीं है, जाते नहीं, जाते नहीं, तो भाई जाने की तैयारी तो हम लोग हल्की आज पे कर रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ काम कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। देन वी विल शो यू। स्टे कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और बताएं कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि हम कहाँ जा सकते हैं। मसला आप ही कब से कैमरा पकड़ के कभी रोड पे कर रही है? बोला अभी लेना क्या चाह रहे हो? की सो चुकी है ये, जब सारी रात नहीं सोते, खुशी में के जी जा रहे हैं रिन्यू कराने, तो नींद अब पूरी ना हुई हो तो फिर ऐसे अभी नींद का हाल होता है। फिर सैनब भी सो रही है। आ चुकी है जहाँ पे हमने जाना है, वो जगह है, वो वाली जहाँ से सुकून से हम बनवाएंगे इसको, हमने नया कराना है जी। ये सब लोग निकल रहे हैं और मैं अपने बैग में डाल रहा हूँ इसको। से बंद कर रहा, जल्दी से बंद करो डांट। मुझे आज की डांट पड़ी है दो दफा। पापा मुझे कहते मेरे से ज्यादा नहीं पड़ी, मुझे ज्यादा पड़ी। कैमरा बंद कर आज मेरे अब्बा बोल रहे हैं कैमरा बंद कर दे। मास्क मूस्क तो है कोई नहीं है। पंद्रह मिनट बाद जल्दी क्यों डाली हुई थी आपने? देखा देखा ये सारी आलू लाद इधर खड़ा करके अब्बा कह रहे हैं अभी गाड़ी में बिठा के इंतजार करवा रहे हैं। सही है, वेरी नाइस। पता लग रहा है कभी कभी अब वापस गाड़ी में जाओ, इंतजार करना पड़ा। ये क्या बात हुई यार, ये तो बड़ी बैड सीन हो गया। हमेशा ही हमारे साथ यही क्यों है? खुल भी गया। चलो ये क्या है, ये क्या कहीं ना क्या चाहते हो भाई, करना क्या चाह रहे हो? चले अब खुल गया, उसका तो दिल ही घबराई जा रहा है। पहुंच चुके हैं और पापा ने हमें बड़े तरीके से रोड क्रॉस करवाई है। पापा ने कहा था सोबर तरीके से रोड क्रॉस, कैट वॉक करके हम लोगों ने रोड क्रॉस किया। अब हम लोग जा रहे हैं दफ्तर, और दफ्तर में मैं कैमरा शैमरा कोई नहीं ऑन करूंगी, हमें बेइज्जती होगी। लोगों ने कह दिया कैमरा बंद करो तो मसला हो जाएगा काफी ज्यादा। So, बाकी चीजें आके मैं आपको बयान करूंगी। अभी सीढ़ियां आ गई हैं, यहाँ पे रिन्यूअल्स होती हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। और यहाँ पे हम सब लोग इस वक्त बैठ चुके हैं, ये लड़कियाँ बैठ चुकी हैं, मैं भी बैठ चुकी हूँ। बाकी जो है ना वो थोड़ी देर बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा इन चार पांच लड़कियों के खिलाफ। लोग यहाँ पे मना करें ना करें कि कैमराज नहीं अलाओ, वीडियो नहीं बनाओ, बट साढ़े अब्बा जी ने मना कर दिया कि थोड़े कैमराज होना। हाँ पता नहीं, ये ब्लॉगिंग का ये कैमरे के तो पता नहीं सारे दुनिया वैर पड़ी हुई है। ऐ कैमरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैमरा सब कवर करता है ना, कोई देखे ना देखे, इकरा कवर सब देख। यही वजह जिसकी वजह से पापा ने तुम लोगों को। यहाँ पे चाय वाय मिलने का सिस्टम नहीं है? तू रिश्ता देखा नहीं? नहीं वैसे तो देते हैं कहीं जाओ चाय तो। तुमने इतना बड़ा मुंह खोल के जमाइया ली, कब का मेरा मजाक कैसा लगा? मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे ना अंकल कुछ चुभ रहा है। क्या अंकल आपको सिस्ट्रोलॉजी का सेल्फी चाहिए? पासपोर्ट पैसा ना मिलता नहीं, पते देखे नहीं, 2015 पता नहीं मैं कितना हूँ। चुप पड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि शेयर योर फीडबैक, ठीक है? फीडबैक डालेंगे ब्लॉगर्स को पीआर के लिए। पीआर पासवर्ड बना रहे हैं। ग्रीन पासपोर्ट और मैरून पासपोर्ट, यूरोप का अमेरिका का सारी जान भी यहाँ पे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खबारी नहीं है क्योंकि हम लोग सब चैम्बर के ऑफिस बैठे हुए। और यहाँ पे देखिए कितना शांत माहौल है, और मम्मा तो मेरी फुल शांत बैठी हुई है अपना फोन यूज करते हुए। इतनी जल्दी आने पे भी 3 मिला जबकि 1 मिलना चाहिए था यार। हाँ छः बजे भी आते हैं लोग, और इसको हम लोगों ने खड़ा किया हुआ है कि प्लीज दफ्तर मानो। दफ्तर इधर नहीं है, उधर है, उधर का दरवाजा दफ्तर ऑफिस ऑफिस। यहाँ पे मेरे अब्बा अम्मा की हेल्प करवाते हुए, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है मामा का पासपोर्ट। लोग फारिग हो गए हैं, हम लोग निकल रहे हैं भाई। बहुत तेज़ धूप है, इतनी तेज़ कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि 11 बजे स्पेशल धूप निकलती है जिसमें आपको आपके कलर को टैन होने का इंतहाई से ज़्यादा अच्छा है। ये देखें जी 11:07 हो गए हैं, और 5 औरतें जब साथ आई हूँ तो
इतना टाइम तो लगता ही है। तो जी अभी इस वक्त हम गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी की इस वक्त हालत किसी तंदूर से कम नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ये तो बेचारी वैसे ओ नो बेचारी। आज हम आए हैं एक अदद ढाबे पे खाना खाने के लिए और यहाँ पे मक्खी पार्टी हो रही है। ये देख रहे हैं मक्खियाँ पार्टी, देख रहे हैं आप ओए ओए ओए, ये माहौल है आपका। यहाँ पे बैठ के हम करने वाले हैं नाश्ता, पाए शाये नाच बड़े नहीं। अभी गोश्त खा के थक गया, फिर पाए खाएंगे, चने खाएंगे, मुर्ग चने। ये है जी कुलचे, लस्सी चाहिए मुझे, इतने मजे के चने हों और उसके साथ लस्सी। मैं तो स्ट्रॉ से पीती हूँ, मज़े की लगती है, स्ट्रॉ में अपना ही मज़ा है। लस्सी वैसे ही वन ऑफ माई फेवरेट, और चने बहुत बहुत मज़े के हैं। समटाइम हम ऐसी जगहों को इग्नोर कर देते हैं कि बैठने की जगह सही नहीं है, लेकिन खाना यहाँ का बहुत मज़े का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चले जी, ये हमने टेबल का हाल कर दिया, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया, मानो का नाश्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा, बड़ा मज़ा आ रहा है ढाबे के नाश्ते का। मैं वही कह रही लोगों को कि अपना ही मज़ा है यहाँ पर, हमें नाश्ता करने का बड़ा मज़ा है। इस धकती हुई धूप में गाड़ी में वापस बैठ रहे हैं, बहुत गर्मी है वो, मतलब सुबह से आज मैं यही कह रही हूँ पूरे व्लॉग में, ऊपर से पापा अभी तक निकले नहीं हैं, मुझे गाड़ी खोलनी है, खुली हुई है। राबिया बैठेगी पहले और उसके बाद बैठूंगी मैं नाश्ता करके। कैसा लगा राबिया को? और गाड़ी बहुत गर्म है, वो गाड़ी सबकी उबलता हुआ तंदूर है भाई, अब मुझे कोई रात 10 बजे तक ना उठाए। हाँ जी आ गई है थक टूट के, बहुत गर्मी आज तो, आज बहुत गर्मी है। सो गाइस मुझे बड़ी लग रही है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी नींद पूरी करनी है, अब आप लोग अपनी नींदें पूरी करें, अल्लाह हाफिज़। तो बस वहाँ पे जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो चाहूं जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। इतनी तुम चांद, अपने आप को पता नहीं चांद कौन लोग कहते हैं, अपने आप को चांद, मुझे वैसे लिरिक्स भी समझ नहीं आए, बस गाना। मैं वो चांद जिसका तेरे बिना कोई आसमां, एडा तू चांद।